अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं सैटेलाइट टिप्स। दोस्तों, पिछले दिनों जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों को बताया था कि किस तरह हमने जैम गाला से विड्रॉ लेना है, लेकिन काफ़ी लोगों को उस चीज़ की समझ नहीं आई थी और काफ़ी लोगों ने मुझे इनबॉक्स में भी और यहाँ पे भी सवाल किए कि यार हमें इसकी समझ नहीं आ रही थी, आपने किस तरह विड्रॉ लिया है और किस तरह यह सारा प्रोसीजर किया है, तो हमें जो है ना ज़रा डिटेल से ये सारा समझा दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज एक एक चीज़ में रिकवर करूँगा, आपको मुकम्मल और परफेक्ट तरीके से बताऊँगा कि आपने दोस्तों किस तरह अपना जो है जैम गाला से विड्रॉ लेना है। दोस्तों ठीक है, जब जैसे दोस्तों आप अपना जो है जैम गाला एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपके सामने इस तरह जो है इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप दोस्तों को ये चीज़ का तो पता ही है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो जैम्स शो हो रहे होंगे और यहाँ पर आपके कॉइन्स शो हो रहे होंगे। आपने जो जैम्स है ना, जैम्स से आपका विड्रॉ होगा, कॉइन्स से आपका विड्रॉ नहीं होगा, ठीक है। तो ये जैम्स मेरे पास 12,248 हैं और नीचे जो है 1.2248, ये मेरे मतलब $1 बन रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो पहले मैंने इसके ऊपर $16 में निकलवा चुका हूँ, तो अब मैं आपके सामने ये $1 किस तरह निकलवाता हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखें दोस्तों। तो अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जैम्स के ऊपर, ठीक है। जैम्स के ऊपर मैं क्लिक करना हूँ, उसके बाद ये एक चीज़ देखें यार, तो ये यहाँ से आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये देखें, यहाँ पर जो विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है ना, ये ऊपर मेरा $1 है, ठीक है ना। यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे जो मेरा विड्रॉ है ना, ये एरी पे के अंदर, चाहे आपके पास $1 है, $2 है, यानी कि एक से ऊपर होने चाहिए, $1 है, 2, 3, 4, 5 जितने भी डॉलर हैं वो आपके एरी पे के अंदर विड्रॉ हो जाएंगे। ये इसका अपना वॉलेट है, ठीक है ना, ये एरी पे इसका अपना वॉलेट है। पहले इसमें विड्रॉ होंगे और उसके बाद जाके दोस्तों फिर क्या है, आप इजी पैसा और मोबी कैश में विड्रॉ ले सकेंगे जब आपके $10 कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखे पहले, तो अगर आपका एरी पे का इसके अंदर अकाउंट नहीं बना हुआ तो फिर आपने पहले यहाँ पे जो एरो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपना एरी पे का अकाउंट लगा लेना, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आपके सामने एरी पे का अकाउंट लगाता हूँ, ठीक है, देखते जाएं यहाँ से। तो ये मैं पीछे जाके दोबारा भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे आपने चूज़ आ कंट्री के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं चूज़ आ कंट्री के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है ना। पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नीचे फ़ोन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा जो ऑटोमेटिक है दोस्तों, मेरा जो है वॉलेट, यानी कि इसके अंदर पहले मैंने विड्रॉ यानी कि अकाउंट लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। आपने अगर फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो ऊपर आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, नीचे आपने कोई नंबर दे देना है, उसके नीचे आपने पासवर्ड मतलब रख लेना है, और उसके बाद आपके नंबर पर एक कोड आ जाएगा, वो आपने लगाना है, तो यहाँ पे आपका एरी पे का जो है वो अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ चल का उम्मीद है आपको ये चीज़ सारी समझ आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, तो आपने लॉगिन कर देना, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर लॉगिन कर देता हूँ। तो अभी ये देखें, मेरे जो एरी पे का अकाउंट है ना दोस्तों, ये जैज कैश मूवी कैश का अकाउंट नहीं है, ये है एरी पे का अकाउंट, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर अभी देखें कुछ भी नहीं, यानी कि $1 भी यहाँ पर नहीं। अभी मैं यहाँ पर पीछे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं पीछे जाता हूँ, ये ऊपर एरो से ये यहाँ से मैं पीछे चला गया, ठीक है ना, यहाँ पे चला गया। तो अभी ये जो $1 यहाँ पे मेरा शो हो रहा है ना, यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैंने विड्रॉ अगर इसको एरी पे में करना है तो यहाँ पे विड्रॉ के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं विड्रॉ के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखिए जी, आपका $1 एरी पे के अंदर विड्रॉ सक्सेसफुली हो चुका है, यानी कि आप गोटूड के ऊपर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके बाकी टास्क वगैरह आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं बैक जाके मैं अपने एरी पे के अंदर जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो $1 ये देखें जी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर तक एरी पे के अंदर जो आपका $1 से ऊपर हो जाएगा जितना मर्जी आप विड्रा करेंगे। अब आपने मूवी कैश और इजी पैसा में कैसे विड्रा करना है वो मैं आपको ज़रा बताता हूँ। आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो आए फर्स्ट टाइम अगर आप दोस्तों विड्रा कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे एक लिंक अकाउंट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिंक अकाउंट आ जाएगा, यानी कि मैं अभी थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा इसको ओपन करने लगता हूँ ना, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये देखें जी, ये लिंक अकाउंट आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर लिंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ वहाँ पे एक फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, आपने ऊपर अपना नाम लास्ट नेम देना है, ऊपर अपना कोई भी नंबर दे देना है, यानी कि एक अपना एक फॉर्म फिल करने का आपको कहेगा, आपने वो फॉर्म फिल जीमेल अकाउंट के साथ फिल कर लेना, ठीक है। जीमेल के ऊपर आपके एक अकाउंट के पासवर्ड आएगा, वो उसके अंदर लगा देंगे, तो आपका जो लिंक अकाउंट वाला सिस्टम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आपने वो फॉर्म फिल कर देना। थोड़ी सी मतलब है, वो इतना लंबा फॉर्म नहीं है, जब
बुक फिल कर देंगे तो यहाँ पे कैश आउट का आपका ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से लिंक अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। तो अब क्या करना है, हमने एरो के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे जो देखें ये जो बैंक है ना, बैंक इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन शो हो रहेंगे, ठीक है ना, एक ई पे का ऑप्शन शो हो रहा होगा और एक बैंक का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपने बैंक के ऊपर क्लिक करना है, बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों इस तरह का सारा इंटरफेस यानी कि सारा आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपने आप क्या करना है, आपने यहाँ से विड्रा करने, मिसाल के तौर पर ये मेरा $1 है, क्या करता हूँ मैं विड्रा यहाँ पर आल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये कह रहा है, ये देखिए जी, मैक्सिमम $10 आप यहां से विड्रॉ करते हैं। तो क्या करना है, आपने यहां पे $10 हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहां पे फ़ी भी मतलब $10 की 3.60 पॉइंट जो है यहां से हमारी फ़ीस कटेगी। उसके बाद आपने यहां पे नीचे जो है वो सबमिट करेंगे, यहां पे आपने जैज़ कैश का अपना नंबर लिखना है, ठीक है ना, जैज़ कैश का या मूवी है जो है ईजी पैसे का नंबर लिखना है, ठीक है ना। लिख के यहाँ पर आप सबमिट के ऊपर करेंगे तो आपने 1-2 मिनट स्टे करना है, यानी कि जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे ना, उसके बाद आपको क्लोज का ऑप्शन मांगेगा यानी कि डन कर दें। तो आपने डन नहीं करना, आपने 1-2 मिनट ना वहाँ पे खड़े ही रहना, ठीक है ना। तो उसी टाइम आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये है प्रोसीजर दोस्तों विड्रॉ का। अभी भी आपको यार समझ ना आए तो फिर इसमें अभी मेरी क्या गलती है, आप इसको 1-2 दफ़ा ध्यान से देख लें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इसका सारा प्रोसीजर समझ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी तफसील समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।